संसद के पास जेएनयू के छात्र नेता उमर खालिद पर फायरिंग, हमलावर की पिस्टल गिरी, दिल्ली पुलिस जांच में जुटी। हापुर लिंचिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा, याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा देने का आदेश दिया। बारिश और बाढ़ से केरल में भयंकर तबाही, अब तक 39 लोगों की मौत, 20,000 मकान और 10,000 किलोमीटर सड़क बर्बाद, हिमाचल में बारिश से 5 लोगों की मौत। मुख्य सचिव से मारपीट मामले में दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, केजरीवाल सिसोदिया समेत 12 आरोपी। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी का 89 साल की उम्र में कोलकाता में निधन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने निधन पर दुख जताया। करुणा निधि की मौत के बाद अब डीएमके में उत्तराधिकारी की जंग शुरू, आलागिरी का दावा, पार्टी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर रोक के लिए बने निर्भया फंड का पैसा नहीं हो रहा रिलीज, लोकसभा में सवाल के जवाब के दौरान सामने आया सच। वित्त वर्ष 2018 में देश पर बाहरी कर्ज 12.4% बढ़कर $52,970 करोड़ पहुंचा, वित्तीय घाटे के और ज्यादा बढ़ने से कर्ज के बढ़ने का खतरा बरकरार। और डॉलर के मुकाबले रुपए 69.48 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, शेयर बाजार में भी गिरावट।